मध्य प्रदेश में भाजपा सदस्यों की संख्या 2.5 करोड़ पहुंचने के दावे से उत्साहित है, लेकिन भाजपा के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस का आरोप है कि ग्वालियर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और पत्रकारों को जबरन भाजपा में मेंबरशिप दी है। अब ये साफ हो चुका है कि भाजपा कैसे गलत तरीके से लाखों लोगों को सदस्यता दे रही है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। हर पार्टी अपना अपना सदस्यता अभियान चलाती है। हमारा कहना इस बात पे है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से बनना चाहता है वो बनाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनैतिकता रूप धारण करते हुए जबरदस्ती मोबाइल लेकर के, उनका नंबर लेकर के, और आपकी योजनाएं बंद हो जाएंगी, आपका पेंशन बंद हो जाएगी, आपका हम सदस्य बनाते हैं, इस तरह से उन्होंने बनाना शुरू किया। और उसके बाद हमारे कांग्रेस की जो कट्टर कांग्रेसी हैं, जो कभी कांग्रेस से हिले नहीं, 1996 में जब श्रीमंत महाराज माधवराव जी सिंधिया पार्टी छोड़ के गए थे तब भी वो कांग्रेस में रहे। 2020 में जब महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी तब भी वो कांग्रेस में रहे। अब जो है वो कांग्रेसी एक छोटे से मोबाइल पर अपना नंबर डाल करके सदस्य नहीं बन सकता, और उन्होंने बनाया भी नहीं। हमारा कहना यह है कि हम सुबह 15 तारीख को, मैंने स्वयं ने मॉर्निंग में देखा तो मेरे पर लिखा हुआ था कि आप भाजपा के सदस्य बन चुके हैं, आपके नंबर दे दीजिए है। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। हमने आगे कल कांग्रेस कार्यालय में मंथन किया, विचार किया, तो अध्यक्ष जी ने कांग्रेस का जो ऐप है उसे भेजा कि जिन लोगों पर इस तरह के आए हैं वो भेजें। तो तत्काल जो है 25-30 तो आई गए। हमारे अमरीश गौड़ का भी इसमें था, जाफरी साहब का भी था, मोनू शर्मा का भी है, मतलब कई लोगों के हैं इसमें। हाँ, सुधीर कश्यप कई एनलिस्ट भी है उतनी, इन सब पे मुझे आ चुके थे। तब जाकर के सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया। अब आगे आप क्या कर रहे हैं? अब आगे क्या है कि हमारा हाईकमान सब जो कहेगा, ऊपर बातचीत चल रही है, अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं, और शायद आजकल में कोई निर्णय ले। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस खुद तो ऐसा अभियान कभी नहीं चला सकती, उसे उसकी टेक्नोलॉजी पता नहीं, जबकि भाजपा सरकार के कार्य से प्रभावित होकर कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब भाजपा में है। ऐसे में भाजपा की लोकप्रियता से कांग्रेस बौखलाई हुई, इसलिए दुष्प्रचार करने में जुटी है। दोनों सरकारों के काम से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार कई कांग्रेस के मित्रों ने किया है, वरिष्ठ नेता भी रहे वो कांग्रेस में, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और ये कहना गलत है कि किसी को जबरदस्ती सदस्य बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। सदस्य व्यक्ति वो बनता है जो दल से विचार खाते हों, लोगों के, कार्यकर्ताओं के, नेताओं के संपर्क में रहता है व्यक्ति, वो ही दल से जुड़ता है। और हो सकता है जो मित्र ऐसी बात कर रहे हैं उनकी इच्छा हो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, तो उनका वेलकम है, स्वागत है।